तो फाइनली हरे भरे पेड़ों से होते हुए और खूब सारी ग्रीनरी से होते हुए हम एंटर करे थे बैक डोर से चहल पैलेस के। जी हाँ, ये है वही रणछोड़दास चांचड़ का पैलेस जो तुम्हें थ्री इडियट मूवी में दिखाया गया है। वैसे तो हम लोग आए थे गर्मी से परेशान होके। आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना चहल पैलेस चला जाए। ये देखो मॉर्निंग का टाइम था, हमने बैकडोर एंट्री ली थी, आई मीन मॉर्निंग के टाइम हमें थोड़ा सा ट्रैक करके चहल पैलेस हम गए थे, तो उस टाइम का कुछ ऐसा नज़ारा था। इससे पहले भी हम चहल पैलेस विज़िट कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम जब हमने विज़िट करा था उस टाइम सर्दियां थी, तो थोड़ा धुंध और फॉग के कारण उतना क्लियर नहीं था। कि देखो ये है इनसाइड से चहल पैलेस, बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि तुम लोगों ने मूवी में देखा होगा, अगर तुम लोगों ने मूवी देखी होगी तो देखो यहाँ पर तुम्हें हर डोर हर वे जो है वो एक जैसा ही लगता है। आई डोंट नो कैसे डिस्क्राइब करूँ, एक साइड से निकलो तो दूसरी साइड लगता है कि हम वहीं से निकल रहे हैं। आई मीन जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे लगा कि क्या भूल भुलैया है, बट जब तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम समझ जाओगे कि हाँ ये वाला भी थोड़ा डिफरेंट है। तो या ये वो दरवाज़ा है जहाँ से रणछोड़दास चांचड़ के दो फ्रेंड राजू रस्तोगी और फरहान अख्तर जो है वो एंटर करे थे। तो यहाँ से बाहर अगर तुम देखो यहाँ पे लोगों की गाड़ी पार्क करी है, लोगों ने पार्किंग का स्पेस है और चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है। कुछ तुम्हें चहल पैलेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री तो आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी ये देखो यहाँ से जो फ्रंट एंट्री होती है आई मीन पैलेस की, ये वो दरवाज़ा है। हम लोग मॉर्निंग में गए थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मॉर्निंग में जो वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं लोग, जी हाँ चहल पैलेस में जो है होटल भी है बट विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो अगर तुम वो एक्सपेंस उठा सकते हो तो यू कैन स्टे देयर। तो ये अंदर का एरिया है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे एंटिक चीज़ें ही पड़ी हुई हैं। ये जो एरिया है आई थिंक यहाँ पे लोग स्टे कर रहे थे, आई डोंट नो। और ये कुछ ऊपर से नज़ारा दिखाई देता है चहल पैलेस का। और हाँ एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, अभी जो टिकट है चहल पैलेस का, जब हम लास्ट टाइम गए थे तो था 100 रुपीज़ पर पर्सन, बट अभी टिकट थोड़ा महंगा हो गया है तो अभी है 200 पर पर्सन। तो अगर तुम जाना है तो तुम्हें 200 का टिकट लेना पड़ेगा, बट आई थिंक लोकल लोगों के लिए मे बी इट्स फ्री और समथिंग एल्स, आई डोंट नो, हमने पूछा भी नहीं क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में गए थे, तो तुम लोग समझ सकते हो व्हाट आई मीन, एंड वी नो सम लोकल पीपल देयर। जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे वो आंटी को हम पहले से जानते हैं, तो तभी हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम इस रोड से जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू ट्रैक तो तुम्हें थोड़ा सा चल के तुम इस साइड से जा सकते हो जिस रास्ते से हम आए। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता है ट्रैकिंग के लिए तो तुम वो फॉलो कर सकते हो अगर तुम ट्रैकिंग करना चाहते हो, अदरवाइज़ तुम्हें बाय रोड भी तुम आ सकते हो क्योंकि गाड़ियाँ ऊपर तक आती हैं। तो जब हम मॉर्निंग में गए थे मैक्सिमम जो वहाँ पे स्टे कर रहे थे लोग वो सारे वॉक कर रहे थे बाहर, मॉर्निंग का टाइम था आई थिंक तकरीबन 9 बजे होंगे, तो नज़ारा बहुत सुंदर था और वहाँ पे जो शांति मिल रही थी यार मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक तो अगर तुम 40-45 डिग्री टेम्परेचर से अगर तुम जाते हो तो तुम्हें वहाँ पे सुकून मिलने वाला है, ये मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ठंड है एज़ कम्पेरिजन टू जो हम जो हमारे चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब या कहीं और स्टेट से लोग आए होते हैं तो उनके लिए तो बहुत सही है। हाँ अगर तुम हिमाचल से किसी ऐसे इलाके से आ रहे हो तो भी सही है। तो दिस इज़ मी जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं पैलेस के अंदर बिल्कुल नहीं गई थी, मैं आई थिंक लास्ट बार मैं चली गई थी, पहले भी मैं एक्सप्लोर कर चुकी हूँ पैलेस को अच्छे से, बट
इस बार मैं नहीं गई, आई डोंट नो मेरा मन नहीं कर रहा था मैं क्यों नहीं गई, बट बाहर मेरे को बहुत ही अच्छे पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज़ आ रही थी ना भाई, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरा मन बस वहीं बैठने का कर रहा था और मैं जाके बस वहीं पे बैठी हूँ। फिर हमने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक करवाए पैलेस के साथ, तो ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है काफ़ी बड़ा। अगर तुम जहाँ से हम लोग आए वैसे वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और पैलेस में तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर भी मिल जाएंगे देखने को, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो मैं अभी भी फ्लावर्स को ही देख रही हूँ, बट यहाँ पे इन्होंने इनको कवर अप कर दिया है ताकि कोई प्लकिंग ना कर पाए तो इसी वजह से मैं बस इनको देख रही थी, बट देखो फिर भी प्लांट बाहर निकल गए हैं जाली फाड़ के। वैसे तो पैलेस काफ़ी बड़ा है लेकिन मूवीज़ में और फोटोज़ में तुम्हें इतना ही दिखाई देगा जो फ्रंट में है। सो ये मैं हूँ जो कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ना कैसे मैं फ्लावर्स को देख पाऊँ अच्छे से, और गार्ड भैया मुझे देख रहे हैं कि कहीं ये फ्लावर तोड़ तो नहीं रही, बट आई वॉज शोइंग कि देखो कितना प्यारा फ्लावर है, मेरे इसके साथ फोटोज लो। बस फिर हम थोड़ी देर वहीं ग्राउंड में बैठे थे, तो ये देखो यार छोटी सी बटरफ्लाई आके बॉटल पे बैठ गई, मे बी उसको प्यास लगी होगी, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हाँ वो उड़ जाए लेकिन वो पानी पीने के बाद ही उड़ी। और कैंपस में हमें मिले छोटे छोटे पप्पी, पहले मुझे लगा मे बी ये रॉटविलर है बट नहीं, भैया ने बताया कि लोकल ब्रीड है। सो दैट्स ऑल अबाउट रणछोड़दास शांचर्स पैलेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।